अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अब्दुल गनी एडवोकेट है। मैं नामपली सुफैन दरगाह के रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर जो सो कल जानलेवा हमला हुआ है, मेरे ऊपर मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी जो सो मेरे ऊपर जमीतुल खुरेश में बुला के जानलेवा हमला हुआ था। मेरे जमीतुल खुरेश के लोग जो सो मेरे को कंप्लेन करने नहीं दिए थे, मेरे को रोक दिए थे। कल जो सो मैं दावत में जा रहा था, मेरे को बुला के जो सो मेरे ऊपर मेरे ससुराल वाले जो सो बुला के नामपली स्टेशन के मेरे ऊपर हमला करे हैं। मेरे जो सो फैमिली इशूज़ थे, फैमिली मैटर से मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करा। इन लोगों जो सो सॉर्ट आउट नहीं करके जो सो मेरे ऊपर जो सो अटैक पे अटैक करे और फेक मेरे पे फ़ोन आ करके मेरे को जो सो धमका रहे, मैं तेरे को काट देता हूँ, मैं तेरे को चीर देता हूँ बोले। इसमें मुकर्रम जो सऊदी से आए, उन्होंने जो सो मेरे को बोले कि मैं तेरे को बता देता हूँ सही से कोई सही पहलवान जो सो काले पत्थर के रहने वाले उनसे तेरे को उड़ा देता हूँ। और अकरम बोल के है, अकरम शाह कुरैशी जो सो इन्होंने मेरे को बीच में से चीर देते बोले। और जो सो उनके बड़े लोग जो सो मेरे को काट देता हूँ, मार देता हूँ बोले। मैं जो सो मैं एक लीगल आदमी हूँ, मेरे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मेरे को हुकूमत से गुजारिश है कि मेरे लिए प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए मेरे अर्ज़ करिए कि मेरी परेशानी को मेरे हल करिए। मेरे माँ बाप भी जो सो इस परेशानी से, मेरे माँ बाप की भी डेथ हो गई, मेरे वालिद की भी डेथ हो गई, मेरे वालदा की डेथ हो गई। मेरे घर में सिर्फ हम दो जने रहने वाले, मेरा भाई और मैं। इन लोगों को मालूम है इनके आगे पीछे कोई नहीं है। इनके ऊपर जो सो अटैक करके इनको मार दो बोल के एक से दो बार हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मेरी आवाम से गुजारिश है, मेरे को हुकूमत से गुजारिश है कि मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए मेरे को प्रोटेक्शन दिलाइए। होने की वजह यह है कि लड़की जो है सो उन्हें बार बार जो है सो भाइयों को फ़ोन करके मेरे को टॉर्चर कर दी। मेरे घर में जो उनको काम का बहुत परेशान है बोल के जो है सो बोल दी और फेक एलिगेशन जो है सो मेरे भाई के ऊपर लगा दी। मेरा भाई जो है ऐसे गंदे बात करता बोल के बोल रही और मेरे ख़ानदान को जो है सो फेक एलिगेशन लगा के जो है सो लड़की मेरे ख़ानदान को बदनाम कर रही। और जो है सो मेरे घर से जो है सो उन्होंने सोना भी चोरी करके भाग गए। ये जो है सो उनके मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियोग्राफर, मेरे कैमरे, मेरे पास घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। मुकर्रम जो है सो अटैक करे, अकरम अटैक करे, मोहम्मद अटैक करे, गौस अटैक करे, खासिम भाई अटैक करे और रफ़ीक भाई अटैक करे और मसूद भाई अटैक करे और दीगर भी लोग हैं, 15 से 20 लोग जो है सो मेरे ऊपर अटैक करे। इसमें जो है सो मैं इतनों के नाम जानता हूँ। अगर मेरे को ये इन लोगों रमनसपुरे के रहने वाले हैं, रमनसपुरे से आगे जो है सो नामपल्ली पे जो है सो अटैक करे इन लोगों। और ये प्री प्लान इन लोगों मेरे ऊपर जो है सो प्रोग्राम बना के आए थे। ये फैमिली मैटर से आओ बात करेंगे बोल के मैं दावत में जा रहा था, मेरे को प्री प्लान बुला के जो है सो मेरे ऊपर अटैक करे इन लोगों। पुलिस कंप्लेन करे, पुलिस वाले भी मेरे को जो है सो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं जो है सो गुजारिश करता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैं जो है सो बहुत परेशान हूँ। मैं जो है सो इधर बहुत दूर दूर फिरता हूँ, एलबी नगर कोर्ट वगैरह फिरता हूँ, मेरे को जो है सो इन लोगों की से जान का धोखा है। मेरे को और मेरे भाई बहन को जो है सो जान का धोखा है। मेरे घर में कोई नहीं रहने वाले। अल्लाह से गुजारिश है कि आप सबसे गुजारिश है मेरी मदद अता, मेरी परेशानियों को दूर अता फरमाइए बोल के आप लोगों से गुजारिश है। मेरी दुआ कबूल करे अल्लाह। इन जालिमों को जो है सो अल्लाह देखे, इन जालिमों को जो है सो अल्लाह कहर से उठा ले। इन जालिमों को जो है सो जैसा मेरे घर में हुआ, इन सब के घरों में जो है सो वैसी जो मेरे घर में जो मेरे माँ बाप जो है सो परेशानी से हार्ट अटैक आके मरे, इनके घर में भी वैसी जो